अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बनाया है यहाँ पर रेड सॉस नूडल्स और बहुत अमेजिंग और झटपट रेसिपी है। लेट्स गो टू द रेसिपी। जी जनाब, ये आ गई सारी इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करेंगे अपने नूडल्स रेडी करने के लिए। तो ये सबसे पहले जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है हमारे पास नूडल्स। यहाँ पर मैं हाफ़ पैकेट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फुल कर लें और बाकी सब चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने दो बर्गर पैटी लिए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर सॉसेजेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर क्यूब्स करके, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सीख कबाब रखे हुए थे, वो मैंने यहाँ पर यूज़ करे हैं। दो चिकन क्यूब है वो मैं इसमें हाफ यूज़ करूँगी। इसी के साथ हमारे पास गार्लिक है 6 to 8 ले लेने आपने। ब्लैक पेपर पाउडर है 1 teaspoon, क्रश चिली है 1 teaspoon, और क्यूमिन है हमारे पास सीड्स, जीरा जो होता है 1 teaspoon। इसी के साथ हमने लिया है यहाँ पर केचप 1/2 cup लेना है, और ये आगे आपके पास अनियन मीडियम साइज़ की है, ठीक है, ऐसे आप काट लें या डाइसेस में काट लें, ठीक है। कैप्सिकम है हमने यहाँ पर 1/2 ली है, और ये आ गई मिक्स हर्ब 1 teaspoon भर के लेना है। सोया सॉस 1 teaspoon और चिल्ली सॉस 1 teaspoon, ठीक है। ये सारी आ गई इसकी इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम अपने नूडल्स को बॉईल करने के लिए रखते हैं। ये मैंने पानी ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट हमने ऐड करा है, और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने दो हिस्से करके डाले हैं यहाँ पर, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, खाने तो हमें ना भी, ठीक है। यहाँ पर हमने बर्गर पैटी और सीख कबाब वगैरह को फ्राई करने के लिए रख दिया, शैलो फ्राई करना है, ठीक है। ये नूडल्स हमारे डन हो गए थे, अब हम सॉस रेडी करेंगे। सॉस के लिए सबसे पहले हमने 2 tablespoon ऑयल डाल लिया, इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे, ये देखें, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, और बस कलर नहीं आए, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, ठीक है। इसी के साथ हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट करा, और इसमें हम डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा, ठीक है, ताकि ज़ीरा भी अच्छा सा रोस्ट हो जाए, और फिर इसको मिक्स करेंगे और अपनी वेजीज़ डालेंगे। वेजीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 वेजीज़। अब हम इसमें कुटी हुई मिर्च डालिए और काली मिर्च डालिए, ये दोनों डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें केचप ऐड कर देंगे। केचप डाल के आप अच्छे से मिक्स करें, और ये देखिए आपकी ज़बरदस्त सी सॉस रेडी हो रही है, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें हम क्यूब ऐड कर रहे हैं, 1/2 डालेंगे। अगर आप फुल पैकेट बना रहे हैं तो एक पूरा आप इसमें क्यूब यूज़ करेंगे, वरना आप 1/2 डालेंगे। अभी इसमें मैंने सॉल्ट ऐड नहीं करा है, सॉल्ट क्योंकि क्यूब में भी होता है, सोया सॉस में भी होता है, तो इसलिए बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अब हमने सोया सॉस और चिल्ली सॉस इसमें ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि सॉल्ट की नीड है, अगर है तो फिर आप अपने हिसाब से फॉर टेस्ट इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और ये हमने जो बर्गर पैटी वगैरह फ्राई करी थी, इसको आप क्यूब्स में कट कर लीजिए और अपनी सॉस में डाल दीजिए, ये आपकी हो जाएगी सॉस बिल्कुल रेडी, ठीक है। और कुछ नहीं डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको साइड पे करना है। और जो हमने अपने नूडल्स बॉईल करे थे उसको थोड़ा सा सीजलिंग करेंगे हम उसमें। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा बटर डाल दिया है, मेल्ट हो गया बटर, तो इसके अंदर हम नूडल्स डाल देंगे, इसको अच्छे से टॉस करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च, ठीक है, पिसी हुई, ठीक है। ये हमने डाला, इसको मिक्स करा, इसमें डालेंगे हम मिक्स हर्ब 1 teaspoon भर के हम मिक्स हर्ब डाल देंगे। अगर आप चाहें तो जस्ट ओरिगानो यूज़ करें, अदरवाइज मिक्स हर्ब ही डालिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला ताकि हमारे नूडल्स भी टेस्ट उसमें थोड़ा सा टेस्ट हो, टेस्टलेस ना हो, ठीक है। ये अब हम इसको असेंबल करेंगे, दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब हमने इसमें नूडल्स डाले अपने प्लेट में, और इसके साथ इस पर हम डालेंगे सॉस। ये देखिए, हमने इस पे सॉस डाल दिया और ये ज़बरदस्त से रेडी हो गए और बहुत टेस्टी बने थे, और झटपट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।